दोस्तों, बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस काजोल ने लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन किया है और फिल्मी दुनिया में वो अभी तक एक्टिव हैं। काजोल एक से बढ़कर एक रोल करती हैं और दर्शकों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है। हाल ही में उनकी फिल्म त्रिभंगा रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। काजोल ने बॉलीवुड के लगभग सभी दिग्गज सितारों के साथ काम किया है, लेकिन उनकी जोड़ी कभी भी गोविंदा के साथ नहीं जमी। ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर काजोल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भी खुलासा किया है। गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार हैं और आज भी उनके फैन फॉलोइंग कम नहीं है। गोविंदा ने उस दौर में सभी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया, लेकिन काजोल और गोविंदा कभी किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। वहीं इस बारे में बात करते हुए काजोल ने कहा कि गोविंदा और उन्होंने जंगली नाम की एक फिल्म शुरू की थी, जिसे डायरेक्टर राहुल रवेल बनाने वाले थे। इस फिल्म के लिए फोटोशूट भी किया गया था, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। काजोल ने आगे कहा कि फोटोशूट के अलावा उन्होंने फिल्म के लिए कोई शूटिंग नहीं की, लेकिन काजोल ने यह भी कहा कि गोविंदा एक बेहतरीन एक्टर है। साथ ही गोविंदा की तारीफ में काजोल ने कहा कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है और गोविंदा ये काम बखूबी कर सकते हैं। इसके बाद काजोल से पूछा गया कि क्या वो फ्यूचर में कभी गोविंदा के साथ काम करेंगे या फिर नहीं। इस पर बात करते हुए काजोल ने कहा कि फ्यूचर का तो उन्हें पता नहीं, लेकिन गोविंदा काफी ज्यादा कमाल के एक्टर है, जिनके साथ काजोल तो क्या हर एक अदाकारा काम करना चाहती है। अगर कुछ अच्छा होता है तो वो दोनों जरूर साथ में काम करेंगे। वह काजोल की जोड़ी उस समय शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन के साथ काफी ज्यादा जमी थी। आज भी शाहरुख और काजोल जब पर्दे पर साथ नजर आ जाते हैं तो फैंस उन पर खूब प्यार उठाते हैं। दूसरी तरफ गोविंदा की जोड़ी सबसे ज्यादा करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ जमी थी। इन दोनों एक्ट्रेसेस के साथ गोविंदा की फिल्में सुपरहिट रही। वह गोविंदा अब फिल्मों में कम ही नजर आते हैं, वहीं काजोल अभी भी फिल्मों में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। उनके फिल्म त्रिभंगा और तान्हाजी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो दोस्तों, क्या आप काजोल और गोविंदा को एक साथ फिल्मों में काम करते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।